Hey guys, hi and welcome back to my channel. कैसे हैं आप लोग सब? आशा करती हूँ आपके घर पर अच्छे होंगे, खुश होंगे, घर पर सही सलामत होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक स्कैल्प क्लेंजर बनाकर दिखाने वाली हूँ और उसके की इंग्रेडिएंट आपको समझ आ रहा होगा, वो है कुकुम्बर यानी खीरा यानी ककड़ी। आज से मैं अपने चैनल पे 30 डेज हेयर केयर विद तनु शुरू करने वाली हूँ। तो अगर आपको अच्छे अच्छे DIY देखना है तो आपको मेरे चैनल को करना है सब्सक्राइब और उसके साथ में जो बेल आइकॉन है उसे भी आपको क्लिक कर देना है। तो खीरे में पाया जाता है विटामिन A, B, C, N, K, इसके साथ कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, जिंक तो भरपूर मात्रा में है। आप में से बहुत किसी को पता नहीं होगा, खीरे को एक्चुअली हेयर ग्रोथ प्रोमोटर भी कहा जाता है। ये हमारे बालों को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, साथ ही अमेजिंग मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट भी ये दिखाता है। अगर आपका ड्राई स्कैल्प है जस्ट लाइक मी तो आप कुकुम्बर की यूज़ कर सकते हो अपने रूटीन पे, या फिर आप ऐसे एक बार मंथली वंस इस स्कैल्प क्लेंजर से अपने स्कैल्प को क्लीन भी कर सकते हो। अब जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है ये मेरा फेवरेट इंग्रेडिएंट है और ये है लेमन यानी नींबू। और आज हमें यही दो इंग्रेडिएंट की बस ज़रूरत है, मतलब लेमन और ककड़ी। तो लेमन एक्चुअली हमारे बालों को एक नेचुरल कंडीशनिंग इफेक्ट देता है, साथ में एक बहुत अच्छा क्लेंजर भी है। एक गलत धारणा लोगों के मन में है और वो ये है कि लेमन हमारे बालों को वाइट कर देता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं जब से क्लास 11th में थी तब से मैं लेमन यूज़ करते हुए आ रही हूँ मेरे बालों से और मुझे अब तक लेमन की वजह से कुछ तो प्रॉब्लम नहीं दिखाया है। अगर आपको डैंड्रफ की समस्या है तो आप लेमन को यूज़ करिए, आपको बहुत हद तक राहत मिलेगा। साथ में इसमें क्योंकि है विटामिन सी तो इसलिए ये हमारे स्कैल्प हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है और ये हमारा हेयर ग्रोथ रेट को भी बढ़ा देता है। ये हमारे स्कैल्प का ऑयल प्रोडक्शन को भी कंट्रोल करता है। अगर आपको एक हेल्दी स्कैल्प और उसके साथ बाल चाहिए तो आप लेमन यूज़ करिए अपने बेटी को। तो चलिए आप देख लेते हैं इस क्लेंजर को कैसे बनाएंगे। बहुत ही ज़्यादा ईजी है और बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। तो पहले हमें ककड़ी यानी कुकुम्बर और उसके साथ लेमन को पील कर लेना है और उसके कुकुम्बर और लेमन को हमें छोटे छोटे पीस में कट कर देना है। लेमन की आप सीड्स को बाहर निकाल सकते हैं, मतलब निकाल के फेंक के, और अगर रह भी जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन क्या होता है अगर सीड्स पेस्ट हो जाते हैं तो उसके बाद वो निकलने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, तो इट्स बेटर कि सीड्स को आप निकाल दें। उसके बाद हमें इसे चला लेना है मिक्सर पर। अगर आपके पास फूड प्रोसेसर है तो आप वो यूज़ करें, ऐसे जनरली मिक्सर पर अच्छे से पेस्ट नहीं होता है और इसके दाने रह जा सकते हैं। तो इस बात का आप ध्यान दें कि इसका पेस्ट बहुत अच्छा होना चाहिए। पानी आपको एडिशनल ऐड करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसमें जो पानी है, मतलब कुकुम्बर में जो पानी होता है उसी में ये पेस्ट बन जाता है। तो हमारा होममेड कुकुम्बर लेमन स्कैल्प क्लेंजर बन गया है रेडी। ये एक बहुत माइल्ड शैम्पू है, साथ में मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट भी देता है जूते कुकुम्बर और किसी में है लेमन, तो ये एक बहुत अच्छा क्लेंजर भी है। मैं इसका डेमो थोड़ी देर में ही इंक्लूड करूँगी, लेकिन उससे पहले एक बात आपको मैं बता दूँ, इसे आप स्टोर ना करें, बनाने की थोड़ी देर बाद ही आप ये लगा दें। आप इसे मंथली वंस या फिर ट्वाइस यूज़ कर सकते हो। तो अगर आप कुछ ऐसे सोच में हो कि आजकल आप मार्केटेड शैम्पूज या फिर मार्केटेड हेयर क्लेंजर आप यूज़ करना बंद कर दोगे, तो मेरे चैनल पर आपके लिए बहुत सारा मैंने ऑप्शन रखा है। मैंने ऑलरेडी मेरे चैनल पर मुल्तानी मिट्टी, मूंग दाल और उसके साथ बेसन हेयर वॉश भी शेयर किया है, हिबिस्कस का भी शैम्पू शेयर किया है, ठीक है? तो चलो अब डेमो देख लेते हैं। हाय गाइस, मैं हूं तनु और आप देख रहे हैं मेरे चैनल ट्रॉपिकल पेंगुइन। सो इस सीरीज का ये पहला वीडियो है। सो आवाज का थोड़ा प्रॉब्लम है, थोड़ा सा लाइटिंग का इश्यू है, लेकिन हर चीज़ को बस साइड करना, बस कंटेंट पे ध्यान देना। तो आज क्योंकि इस सीरीज में पहला दिन है तो कुछ हम शैम्पू से शुरू करते हैं। तो ये जो पर्टिकुलर शैम्पू है, जैसे आपने देखा है, हमें उसके लिए चाहिए कुकुम्बर और लेमन, और बस मतलब बहुत ही इजी है, मतलब छोटे छोटे बालक बालिका को भी आएगा ये बनाना। यही है वो शैम्पू, मैं इसे एप्लीकेशन करके आपको दिखाऊंगी। बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइजिंग शैम्पू है और साथ पे ये क्लेंज भी करता है हमारे स्कैल्प और बालों को। तो आप में से जो भी सारे लोग वीडियो देख रहे हो तो आप सबको शैम्पू लगाना आता है, स्टिल मैं डेमो दिखाती हूँ। ये मेरा वे है तो इसीलिए मैं उसी पे स्टिक रहूँगी। तो मैं बाल को पहले पानी से धो दूंगी और उसके बाद मैं इस शैम्पू को लगाऊंगी। अब आप लोग मुझे बोलोगे कि पानी से क्यों धोते हैं, तो पानी से धोने से क्या होता है, जो थोड़ा बहुत गंदगी है वो तो पानी से ही एक्चुअली निकल आ जाता है, ठीक है?
तो मैं पहले पानी से वॉश कर लेती हूँ और उसके बाद इसका मैं एप्लीकेशन करूँगी। और एप्लीकेशन आप सबको पता है, जस्ट हमें स्कैल्प में बहुत अच्छे से मसाज करना है, तो वो सब मैं थोड़ा बहुत मतलब छोटी छोटी मैं अपना टिप्स, मेरा जो एक्सपीरियंस यही सब मैं आपके साथ शेयर कर रही। ठीक है, तो चलो मैं पहले बाल धो लेती हूँ। सो मैंने बाल धो लिया है, अब आता है एप्लीकेशन की बारी। तो इसे लगाने के पहले आप एक बार एलर्जी टेस्ट कर लेना, अगर एलर्जी टेस्ट में नेगेटिव आते हो तभी आप आगे बढ़ना। ठीक है, तो मेरा एक्चुअली पंप खराब हो गया तो निकल नहीं रहा है, तो मैं डायरेक्टली इस बॉटल से एक्चुअली लेने वाली हूँ। तो मेरा कंसर्न एरिया होगा स्कैल्प, और थोड़ा सा ज़्यादा क्वांटिटी पे चाहिए होगा ये, क्योंकि इसमें बाजार से लाया हुआ कुछ भी चीज़ इसमें नहीं है, तो थोड़ा सा आपको ज़्यादा क्वांटिटी चाहिए होगा इसका। तो मैं डायरेक्टली ऐसे लगा रही हूँ, इसका कंसिस्टेंसी देख लेना मेरे स्कैल्प पे। इसमें कोई भी फोम नहीं होगा, ये बात है, इसमें कोई भी फोमिंग एजेंट नहीं है, तो फोम कुछ भी नहीं होगा इसमें, इस बात का आप ध्यान रखें। अगर आपका ऑयली स्कैल्प है तो आप लेमन थोड़ा ज़्यादा यूज़ करें, एक से मैंने जैसे एक यूज़ किया, आप दो यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपका ड्राई स्कैल्प है जस्ट लाइक मी, तो थोड़ी बड़ी कुकुम्बर जैसे मैंने यूज़ किया था वो आप ले लीजिए, या फिर आप दो कुकुम्बर ले सकते हो। जब भी आप स्कैल्प पे लगाओगे मेक श्योर करो कि स्कैल्प मतलब हर एक जगह पे, स्कैल्प के हर एक जगह पे लगे, तो बालों के पीछे में भी ये लगना चाहिए। और आपको ये जो छोटे मोटे दाने दाने दिख रहे हैं एक्चुअली पानी से निकल आ जाता है, या फिर आपका बाल जब ड्राई हो जाता है तब एक्चुअली ये खुद ब खुद ही बाहर निकल आता है, तो इसमें कोई भी घबराने की बात नहीं है। मैंने लास्ट ईयर मतलब 2019 में, लास्ट टू लास्ट ईयर एक्चुअली, मैंने एक क्लेंजर आपके साथ शेयर किया था जो कि लेमन एंड शुगर था, उसमें भी मैंने लेमन यूज़ किया था, और उसमें मैंने आपको बोला था कि लेमन एक्चुअली एक नेचुरल क्लेंजर है। मैं जब क्लास 11 में थी तब से शायद मैं यूज़ करना स्टार्ट करी हूँ, मेरी मासी ने मुझे ये वाला टिप्स बोला था, तो लेमन तब से मेरा एक्चुअली बेस्ट फ्रेंड है, मेरे बालों पे बहुत अच्छा सूट करता है। अगर आपको लेमन मतलब जूस डायरेक्टली आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो थोड़ा डाइल्यूट करके यूज़ करें, मतलब किसी के साथ भी यूज़ करें, कोई भी पैक के साथ यूज़ करें। तो ये देख सकते हैं बॉटल पूरा पूरी ख़त्म कर दिया, और एक बॉटल में एक्चुअली कुछ होता नहीं है, तो और एक कटोरा बाकी है, तो मैं कटोरा भर के भी लगाऊंगी। और हाँ, ये बहुत कूलिंग है, अगर आपको ठंड की प्रॉब्लम है तो आप मत लगाइए, और अगर लगाते भी है तो जस्ट एक या दो मिनट पे वॉश कर दीजिए। मेरे जैसे ऐसी बक 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 मत करिए। ये जो अपकमिंग 1 month है इसमें बहुत अच्छा अच्छा रेमेडीज मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अगर आप भी ऐसा कुछ मेरे वीडियोस देख के मोटिवेट होकर कुछ रेमेडीज आप फॉलो कर रहे, तो प्लीज़ आप मुझे इंस्टाग्राम पर बता सकते हो आपका रिजल्ट, या फिर आप मुझे मेल भी कर सकते हो, आपका जो रिजल्ट है आप मुझे मेल भी कर सकते हो। तो अभी मेरे कंप्लीट माथे पे ये कुकुम्बर एंड लेमन का जो मिलाप मैंने बनाया है ये लग चुका है। अब मैं बहुत अच्छा स्कैल्प मसाज देने वाली हूँ, ये अप्रॉक्स मैं देने वाली हूँ 2 से 3 मिनट तक, आप 5 मिनट तक दे सकते हो। टोटली हमें इस जो क्लेंजर हमने बनाया है इसे हमें रखना है हमारे माथे पे अप्रॉक्स 5 मिनट तक, उसके बाद हम पानी से वॉश कर देंगे। तो अभी हम करने वाले हैं स्कैल्प मसाज। स्कैल्प मसाज आप जब करते हो तब आप फिंगर टिप्स यूज़ करें, मतलब ये जो है, अगर आपके नेल्स बड़े हैं तो आप किसी और को बोल सकते थे कि कभी कभी फिंगर टिप्स से करते करते नेल्स भी टच हो जाता है, और नेल्स अगर टच होता है तो स्कैल्प इन्फेक्शन का बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाता है। तो ऑलवेज मेक श्योर कि यूज़ फिंगर टिप्स, और धीरे धीरे करें, हड़बड़ी करने का कोई ज़रूरत नहीं है, ये रिलैक्स भी करेगा आपको, साथ में आपके स्कैल्प हेल्थ के लिए तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। और ये जो स्कैल्प मसाज है ये आपको पूरे माथे पे करना है, नॉट ओनली जस्ट क्राउन, हर एक जगह पे, मतलब एक कान का पीछे जहाँ पे कि हम हर वक्त भूल जाते हैं, बैक साइड में हम क्यों भूल जाते हैं क्योंकि ये पीछे रहता है ना, तो उतना ज़्यादा हम पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते। तो जब भी आप करोगे तो मेक श्योर करें कि बैक साइड पे भी आपने स्कैल्प मसाज किया है। ठीक है, तो मैं जाने वाली हूँ स्कैल्प मसाज मोड में। तो 5 मिनट मैंने शैम्पू मेरे माथे पे रख दिया है, अब मैं इसे पानी से वॉश करने वाली हूँ, और उसके बाद में जो स्टेप है वो भी मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। तो क्लेंजर को तो मैंने अभी हटा दिया, अभी आता है एक बहुत इम्पोर्टेंट बात, वो ये है कि
मे बी ये हो सकता है कि आपके बालों पे थोड़े बहुत इसके पार्टिकल्स रह जाए, तो मुझे पर्सनली इसका कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है बिकॉज इसके बाद मैं एक रेज भी लेने वाली हूँ और मैं लीव इन लगाऊंगी, उसके बाद मैं स्क्रंच करूंगी, तो मेरे बालों पे अगर थोड़े बहुत भी उसके बाद रह जाते हैं तो ड्राइंग के वक्त निकल आ जाते हैं और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। अगर आप लोग को इसमें परेशानी होती है तो आप एक कोम्ब यूज करना इस वक्त, मैं तो कोम्ब यूज नहीं करती हूँ तो इसलिए मैं यूज नहीं कर रही हूँ, लेकिन आप लोग इस मोमेंट में कोम्ब यूज कर लेना अगर आपके बालों पे पार्टिकल्स रहता है। मेरे बालों पे थोड़े थोड़े हैं और वो एक्चुअली लेमन के क्या बोलूँ थोड़े बहुत होते हैं ना, अगर हम नींबू पानी भी बनाते थोड़े बहुत वो जो रहते हैं ना छोटे 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 वो एक्चुअली है। ठीक है, तो अब मैं लगाने वाली हूँ लीव इन और उसके पहले मैं एक रिंस लेने वाली हूँ। इस रिंस के बारे में मैं इस वीडियो में बात नहीं करूंगी, मैं कल जो वीडियो बनाऊंगी उसमें मैं इस रिंस को आपको मैं बताने वाली हूँ कि ये रिंस कौन सा है। ये रिंस वन ऑफ द इजीएस्ट रिंस है इस पूरे जगत में एक्चुअली, तो आपको नेक्स्ट वीडियो में इस रिंस के बारे में पता चल जाएगा। ठीक है, तो रिंस है ये और यहाँ पे मैंने एक कटोरी रखा है ताकि मैं बाउल मेथड फॉलो कर पाऊँ। बाउल मेथड मैंने और भी रिंस के वीडियो पे दिखाया है, थोड़े बहुत आपको इस वीडियो में भी पता चल जाएगा। इस मेथड में होता कुछ भी नहीं है, जस्ट एक बाउल से और एक बाउल पे हम जब इस लिक्विड यानी इस पानी को डालते हैं तब हम अपने माथे को रख देते हैं, इससे प्रोडक्ट वेस्टेज काफ़ी कम होता है। और ये रिंस तो मेरा वन ऑफ द फेवरेट रिंस है, मेरे बालों पे एक अच्छा सुगंध और उसके साथ एक शाइन के लिए ये एक्चुअली बहुत रोल एक्चुअली प्ले किया है मेरे लाइफ में। तो रिंस तो हो गया है और अब मुझे लगाना है लीव इन कंडीशनर। लीव इन कंडीशनर के लिए मैं यूज करने वाली हूँ बहुत थोड़ा सा ब्यूटी एंड प्लैनेट का टी ट्री एंड वेटिवर एरोमा। एक्चुअली आप में से मुझे बहुत सारे लोग ये पूछते हैं क्या दीदी लीव इन लगाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्या, तो लीव इन इज जस्ट लाइक मॉइस्चराइजर फॉर आवर हेयर। तो लीव इन लगाना इंपॉर्टेंट है लेकिन आज मैं ज़्यादा नहीं लगाऊंगी क्योंकि मैं फिर से कल ये रिंस लेने वाली हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली है ना कल मुझे आपको फिर से दिखाना है। तो ठीक है चलो थोड़ा सा लीव इन ही बस लगाती हूँ, आप देख सकते हो मैंने बहुत कम क्वांटिटी लिया है, एक्चुअली इसमें बचा भी कुछ भी नहीं है, बस थोड़ा सा ही मेरे पूरे बालों पे हल्के हाथों से प्रेइंग हैंड मोशन पे मैं लगा दूंगी सर के पीछे और थोड़ा सा मुझे लेना पड़ेगा क्योंकि पूरे बालों पे लगानी। इस कंडीशनर का मैंने रिव्यू किया है, आप चाहो तो चेक कर सकते हो। मैं सोच ही रही थी कि आज मैं कोई भी लीव इन नहीं लगाऊंगी लेकिन एक्चुअली मैंने बहुत दिन से मेरे बालों का कोई केयर नहीं किया अच्छे से, तो सोचा कि चलो आज लीव इन लगा देती हूँ और कल तो फिर से रिंग्स मुझे लेना ही है और कल मैं कुछ नेचुरल जेल लगाऊंगी बालों पे। उसका वीडियो नेक्स्ट वीडियो में होगा, मतलब नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीडियो में होगा। अब मैं करने वाली हूँ स्विच टू कंडीश। मेरी फ्रेंड नित्या एक्चुअली कुछ दिन पहले, जस्ट 3-4 दिन पहले एक्चुअली फर्स्ट डे ऑफ सीजी था उसका, और उसने ढेर सारा स्विच टू कंडीश किया और उसका रिजल्ट बहुत ज़्यादा अच्छा है। मैंने इंस्टाग्राम पे शेयर किया था, अगर आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हो तो आप सबको पता होगा उसका रिजल्ट। लीव इन भी लग गया, रिंग्स भी हो गया, अब मैं जस्ट मेरे इस माइक्रोफाइबर टॉवल से हल्के से मैं फ्लॉप करूंगी और मैं आपको मिलूंगी विद रिजल्ट। बाय बाय। थैंक यू ना, एंड आगे रिजल्ट के साथ मेरा बाल कम्प्लीटली क्लीन है और उसके साथ शाइन भी देख सकते हो ना। ये रिंग्स का भी कमाल है, साथ में मेरे शैम्पू का भी थोड़ा बहुत कमाल है और हाँ लीव इन का भी तो थोड़ा बहुत कमाल होगा ही ना। तो मैं आपको एक बात बोलती हूँ कि अगर आपने बहुत ज़्यादा ओवर ऑयलिंग किया है तो ये शैम्पू इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होगा। अगर आपका लाइट ऑयल है माथे पे तो आप यूज़ कर सकते हो, या फिर अगर आप बहुत दिन से बाल नहीं धोया है तो भी आप ये वाला क्लेंजर यूज़ कर सकते हो, लेकिन हाँ चंपे की बादी वाला उतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रहेगा। थोड़ा बहुत ये ऑयल हटाएगा लेकिन कम्प्लीटली नहीं हटाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो को मैं कहती हूँ यहीं पे एंड। नेक्स्ट वीडियो पर मैं मिलती हूँ विद अ न्यू वीडियो, तब तक के लिए आप परिवार का ध्यान रखें, खुद का ध्यान रखें। बाय बाय, टेक केयर माय लवली 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 फ्रेंड्स। बाय बाय।